वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट इंग्लिश बाय दीपिका वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर फर्स्ट को हम किस तरीके से पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें कि पेपर फर्स्ट में हम आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही कर पाएँ या आउट ऑफ 100 हम 80 अबव मार्क्स ला पाएँ, जिससे हमारा JRF क्लियर हो जाए और अगर अभी हमारा नेट नहीं हुआ है तो हमारा नेट क्लियर हो जाए। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी द परफेक्ट स्ट्रेटजी टू स्टडी पेपर फर्स्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पेपर फर्स्ट ऐसा पेपर है जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना होता है, और ये जो पेपर है ये हमने कभी स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कभी हमने इसका सिलेबस पढ़ा नहीं होता है, इसलिए ये पेपर हमको थोड़ा टफ लगता है। हम इससे थोड़ा डरते हैं कि ये पेपर कैसा है, इस पेपर में आएगा क्या और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें ये किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ और आउट ऑफ 50 हम 40 क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप अच्छे से कर सकते हो, आप इजीली इसमें 30 से अबव मार्क्स ला सकते हो। इसके लिए आपको सही वे में, सही डायरेक्शन में, आपको सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए इस पेपर को पढ़ना होगा। कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि पेपर का सिलेबस क्या है और हमारे 10 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो इन 10 मॉड्यूल्स की बात करें तो आपको कुछ एक टॉपिक को छोड़ दें, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन है, DI है, मैथमेटिकल रीजनिंग है और लॉजिकल रीजनिंग है, इन सब टॉपिक को छोड़ दें तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो हमारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, हमारा कॉमन सेंस क्या है, हम इसको कैसे क्वेश्चंस को समझते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम 3-4 बुक से भी अगर पढ़ लेंगे फिर भी हमको ये एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमको समझ में नहीं आएंगे, थोड़े वो डिफरेंट लगेंगे। तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं। वहीं अगर कुछ टॉपिक की बात करें, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है और हमारा DI है, ये सब मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। ये सब कैसे आते हैं, ये सब प्रैक्टिस करने से आते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो पेपर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होते हैं वैसे टॉपिक्स जो थियोरेटिकल होते हैं, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके नॉलेज या फिर प्रैक्टिस से आते हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि हायर एजुकेशन है तो उसमें आपको कॉलेज की जो रैंकिंग है वो आपको लर्न करनी होगी, और ICT में जो एब्रीविएशंस पूछे जाते हैं वो लर्न करने होंगे, और पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको लर्न करने होंगे, वो आपको रिटेन करने होंगे, मेमोराइज करने होंगे। बट जो DI है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी होंगी, कॉम्प्रिहेंशन की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक को चूज़ करिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और जिसके MCQs आप सॉल्व करने पर पा रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक को आपको चूज़ करना है, फिर सबसे अच्छे से आपको उन टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, प्लस आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और आप पाएंगे कि पेपर फर्स्ट इतना भी टफ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत ईजी भी लगेगा, प्लस इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही टॉपिक चूज़ करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। सपोज़ दैट कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले आप DI को चूज़ करिए, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को चूज़ करिए। जब आपकी कमांड इसमें अच्छी हो जाए तब आप दूसरे टॉपिक को स्विच करिए। और अगर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका बहुत अच्छा है तो आप ऐसे ही टॉपिक को चूज़ करिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करिए। बट अगर आपकी रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप किसी चीज़ को रिटेन बहुत अच्छे से कर पाते हो, तो आप टॉपिक चूज़ कर सकते हो, जैसे ICT चूज़ कर सकते हो, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट चूज़ कर सकते हो, और हायर एजुकेशन। ये 3 टॉपिक हैं जो आपको मेमोरी बेस्ड हैं, इनको आपको रिटेन करना है। तो ये टॉपिक आप पहले पढ़िए और दूसरे टॉपिक्स को आपको बाद में टच करना है। अब ये तो हो गया, अब इसके साथ ही साथ आपको पेपर फर्स्ट की प्रैक्टिस भी रेगुलर करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने पढ़ा क्या था और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं।
तो आपको ये क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाने के लिए कि पेपर में कैसे पुटअप होता है क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से सॉल्व करते रहना है। इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि कैसे पेपर एग्ज़ाम में आने वाला है। प्लस आपको बहुत से क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, जैसे कि किसी टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीचिंग में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसर्च में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा, आप टीचिंग में सारी चीज़ें पढ़ लेते हो पर ज़रूरी नहीं कि वैसे क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट लेवल पे आते हैं, बहुत घुमा के पूछते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ये देखिए कि कैसे कैसे टॉपिक पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज से आपको पेपर फर्स्ट की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ आपको बेसिक चीज़ें भी पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है, प्लस आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है, आपको ये नहीं है कि आपने बस क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर देखा, देन आप दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर गए। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन उसका आंसर देखना है, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें भी आपको पढ़नी है। ये सब आप जब करेंगे तो आपको एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। होता क्या कि आपने रिसर्च में और टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरी तो पूरी पढ़ ली, बट जब क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डिफरेंट लेवल के आते हैं। लाइक टीचिंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर आप एक टीचर हो और आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप उसे पनिशमेंट दोगे कि क्या करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमारे बेसिक कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए आपका कॉमन सेंस, आप प्रैक्टिकल नॉलेज, आप प्रैक्टिकली उसको लेके सोचिए कि करना क्या होगा। आपको वो अपने ऊपर रख के नहीं सोचना है, ना ही अपने टीचर के ऊपर रख के सोचना है। एक्चुअल में जो होता है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में परेशान करता तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, बट आपको यहाँ पर टिक इस तरीके से नहीं करना है। आपको ये सोच के नहीं चलना है, आपको एक आइडियल पर्सन की तरीके से सोचना है कि अगर एक आइडियल टीचर होगा तो कभी भी वो पनिशमेंट देगा ही नहीं। तो आपको पनिशमेंट वाला ऑप्शन कभी भी नहीं चूज़ करना है, आपको डिफरेंट लेवल से सोचना होगा। अब आपके टॉपिक्स आते हैं डीआई और मैथमेटिक्स के। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्रिहेंसन की भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी कॉम्प्रिहेंसन लीजिए, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड अगर डीआई आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप डीआई के क्वेश्चन पढ़िए, देन क्वेश्चन में देखिए किस चीज़ की नीड वो वहाँ पर लग रही है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प ले करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लाइक डीआई के लिए सबसे ज़्यादा आपको जो नीड पड़ती है वो परसेंटेज की पड़ती है, परसेंटेज की और एवरेज की। तो एवरेज और परसेंटेज यही दो टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। तो अगर आप एक बार परसेंटेज और एवरेज अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा भी टाइम दे देंगे इस पे, तो आप डीआई के 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। बस आपको करना क्या है कि आपको परसेंटेज का टॉपिक है और जो एवरेज का टॉपिक है ये आपको किसी भी बेसिक बुक से पढ़ना है। ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई बैंकिंग वाली बुक हो या अगर आपके पास कोई 10th स्टैंडर्ड की बुक हो, उसमें भी परसेंटेज आपको आसानी से मिल जाएगा। और परसेंटेज आपको बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना, बहुत एडवांस लेवल की हाँ मैथ्स नहीं आने वाली है, बहुत ही इजी लेवल की है। तो आपको परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला पढ़ना है कि आखिर परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, और जो क्वेश्चन आते हैं उसमें परसेंटेज के किस किस फॉर्म को यूज़ किया जाता है और एवरेज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक ये भी टॉपिक है, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन डीआई में बनते हैं। तो आपको ये 3 टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको थोड़ा सा वक्त इस पे देना है, आप थोड़ा भी टाइम दे देंगे इसमें तो आपको ये समझ में आने लगेगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप डीआई की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको यही सॉल्व करने का मन करेगा। और आप एग्ज़ाम में सबसे पहले आप डीआई के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आप डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होता है ना कि बिल्कुल एक्यूरेसी पता चल जाती है कि अगर हमारा तरीका सही है तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। जब आपका आंसर एक्यूरेट आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। इससे क्या होगा कि आपको आगे के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि हमने तो पहले ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन सही कर लिए हैं।
इसलिए आपको DI से डरना बिल्कुल नहीं है। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करो, आप एक बार परसेंटेज को पढ़ो, एवरेज को पढ़ो, रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ो। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज को पढ़ना है, आप देखोगे कि आप 1 से 2 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पा रहे हो। इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें भी आपके परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एवरेज आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, और इसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आएंगे डिस्काउंट पर। तो ये मैं आपके, अगर आप DI प्रिपेयर करते हो, DI के लिए आप परसेंटेज पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, एवरेज पढ़ते हो, तो वो सब टॉपिक आपके इस पोर्शन मैथमेटिकल रीजनिंग में भी काम आएंगे। और इसमें आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सीरीज़ हैं और लेटर सीरीज़ है और रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इसकी अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आपको इजिली समझ में आने लगेंगे। तो ये 3 टॉपिक जो आपके हैं, कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, DI हो गया और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये 3 टॉपिक में आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर एक टॉपिक और बच रहा है जो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस से ही आते हैं, जैसे उसमें हमारा होता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, अगर आप पढ़ लेते हो तो उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग भी हमारा प्रैक्टिस पे ही आता है। अब जो आपके 3 टॉपिक बचते हैं, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है और ICT है, ये सब आपको क्या करना है, ये आपको लर्न करना है। इसमें आपको चीज़ें रिटेन करनी है, आपको चीज़ें लर्न करनी है, जैसे कि कौन सी रैंकिंग पे कौन सा कॉलेज है और ICT के एब्रिविएशन आपको लर्न करने हैं। साथ ही साथ आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और कितने टाइप की जो हैजार्ड्स आती हैं, नेचुरल डिजास्टर है, ये सब आपको पढ़ने वाले हैं। ऐसे टॉपिक है जिनको आपको रिटेन करना है, जिनको आपको लर्न करना है। ये तो बात हो गई कि आपको ये 10 मॉड्यूल्स कैसे प्रिपेयर करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऐसे टॉपिक उठाने हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, जो आपको थोड़ा अच्छे से आता है वो टॉपिक आपको पहले प्रिपेयर करना है, एंड उसके बाद आपको दूसरे टॉपिक्स को देखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के आएंगे और 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आएंगे, और आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब इन 3 आवर्स में आपको कैसे सॉल्व करना है पेपर। जैसे कि होता क्या है कि आपको पूरा पेपर एक साथ आपको मिल जाता है कंप्यूटर पे, आपको पेपर फर्स्ट भी मिलेगा साथ में, पेपर सेकंड भी मिलेगा। आपको वो सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में करने होते हैं। क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं, बट जो मेरा तरीका है, जो मैं अप्लाई करती आई हूँ और जो मुझे बिल्कुल सही भी लगता है, परफेक्ट लगता है, वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको पहले आपको लाइन से सॉल्व करते चलना है। आपको पेपर फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है और ऐसे टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से आते थे वो आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं, और आपको लगातार क्वेश्चंस देखते रहने हैं, और आपको जो क्वेश्चंस आता है उसको आपको टिक करते चलना है, और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो तो ऑटोमेटिकली अनअटेम्प्टेड आएगा, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आपको आता तो है बट आप श्योर नहीं हो, आपको 50-50% का डाउट लग रहा है, 2 ऑप्शन में आप क्लियर नहीं हो, या आपको आता है बट अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उससे क्या करना है कि आपको उस पर मार्क कर देना है। तो आपको मार्क करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आप ऐसे करके पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, पेपर फर्स्ट के भी और पेपर सेकंड के भी। अब पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस देखने हैं जो कि आपको आपने मार्क किए हैं, जो कि आपने मार्क किए थे कि आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, आप ऑप्शन में कंफ्यूज थे, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। अब आपको बारी बारी से वो मार्क किए हुए क्वेश्चंस को देखते चलना है। होता क्या है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो वो ग्रीन कलर में शो होता है, और जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करते हो, जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, वो आपका रेड में शो करेगा, और जो क्वेश्चन आपने मार्क किया है, जिस क्वेश्चन पे आपने मार्क लगाया है, टिक लगाया है, वो आपका पर्पल कलर में शो करेगा। तो आपको जो पर्पल वाले जितने भी कॉलम है जिस पे पर्पल शो कर रहा है, जिसमें आपने मार्क किया है और जिसका आंसर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, अब आपको उन क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा टाइम देना है। जैसा भी टाइम आपके पास हो आपको टाइम भी साथ ही साथ देखते चलना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और अनअटेम्प्ट वाले सॉल्व ही ना कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो आपको 100
सारे 100% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको 150 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने हैं, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आपको करना क्या है कि आप जब अटेम्प्ट कर लो पूरा पेपर, उसके बाद आपको मार्क जिस पे आपने किया है आपको वो क्वेश्चन को टाइम दे दे करके उसको सॉल्व करना है। जब आप मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो उसके बाद फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए थे, जिनका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता है और जो आपको 1% जिसका आंसर पता ही नहीं है, उसको आपको क्या करना है, आपको जो भी सही लगता है आप उस पर टिक कर सकते हो, आप अपना गेस भी लगा सकते हो क्योंकि उसमें आपको आता ही नहीं है आंसर तो आप करोगे भी क्या, बट आपको नंबर तो मिलेगा उसमें, अगर आप सही करोगे गेस में भी तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही, तो आपको नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होनी तो आपको वो सारे क्वेश्चन लगातार अटेम्प्ट कर लेने हैं। अब ये जो लास्ट में मैंने सॉल्व करने को इसलिए कहा है कि आपको ये टाइम नहीं देना है, अगर आपको पेपर में लेट होने लगा है, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, पेपर सबमिट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी बिना देखे भी अगर आप टिक कर दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि आपको तो आंसर आता ही नहीं था, बट वो क्वेश्चन जो आपने मार्क किया है और जो आपको आते थे अगर वो आप जल्दबाजी में करोगे तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो आप उसे रॉन्ग कर दोगे, इसीलिए आपको जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जो आपको 50-50% डाउट है वो करना है, एंड देन सबसे लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी उस पर टिक कर सकते हो जब आपके पास टाइम कम बचता है। ओके, तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी और अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। और तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा है आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिएगा, अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि आपको हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।